केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बेंगलोर में बैठक के बाद भी प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से विधायक और जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया है। उन्होंने और उनके समर्थकों ने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बौखलाई NDA के अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को खुली चुनौती दे दी है। आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले बेंगलोर गए थे, जहां उन्होंने राजा भैया को विशेष रूप से बुलाकर काफी देर राजनीतिक चर्चा की थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि राजा भैया पूर्वांचल में बीजेपी को समर्थन दे देंगे। 14 मई को राजा भैया ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उससे पहले उनके बयान बीजेपी आला कमान के लिए चिंता का विषय बन रहे थे, जिसके कारण अमित शाह ने मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को राजा भैया को एक बार फिर मनाने के लिए भेजा था। संजीव बालियान कौशाम्बी से बीजेपी के मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को साथ लेकर राजा भैया के आवास पहुंचे थे। उन्होंने राजा भैया को भाजपा का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो सफल नहीं हो पाए। राजा भैया ने 14 मई की बैठक के बाद अपने समर्थकों को विवेक के आधार पर मतदान करने के लिए कह दिया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अब राजा भैया के समर्थकों ने खुलकर विनोद सोनकर के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। राजा भैया के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के समर्थन में जमकर नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। राजा भैया और पुष्पेंद्र सरोज के समर्थक राजा भैया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे एक साथ लगा रहे हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि राजा भैया का समर्थन प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मिल गया है। यहां तक कि पुष्पेंद्र सरोज ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ही ये ऐलान कर दिया कि अब भैया का आशीर्वाद मिल गया है तो जीत ऐतिहासिक होगी। अखिलेश यादव राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया कुमार भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, वोट की मोहर कहाँ लगेगी, वोट की मोहर कहाँ लगेगी, साइकिल के निशान पे। पहला बटन साइकिल का बटन है, आप पहला बटन दबाइएगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ या भैया का भी आशीर्वाद मिल गया है तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। राजा भैया के समर्थकों द्वारा इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाए जाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भड़क गई हैं। उन्होंने कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा तो वो होता है जिसे जनता EVM से चुनती है। पैदा नहीं होता, EVM के बटन से पैदा होता है। घोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप EVM का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। राजा भैया का समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन करने के बाद अब पूर्वांचल की इन सीटों पर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती मानी जा रही हैं।